हेलो दगड़ियो। तो आज मेरे डे 3 30 डे व्लॉगिंग चैलेंज को, तो आज हम सोचे क्यों ना आज पहाड़ी डिश बनाई जाए। एक पहाड़ियों की जो मनपसंद हमेशा से मनपसंद डिश रही है वो पिंडालू का पैतू, जैकि कि हिंदी में अरबी बोल बचन आपने देखी होला, जो एक बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद की जाने वाली एक डिश। तो मैंने यू का पत्ता काटा लेनी थी, हालांकि यू का जड़ की जो होती वो सब्जी भी बनाई जानी थी। और ये पिछले दिखा मेरा मैं काटा चुकी है बैंगना काटा, और ये मैं लगाई थी पपीता का पेड़, जो कि इतना सारा पपीता लग गया सिंधी का। तो सब मेरे मम्मी की क्यारी से, और ये पिंडालों को सबसे पहले धोऊं से अच्छी तरह से आप एक एक पत्ता करके धो दिया, ताकि यू वहाँ जो धूल मिट्टी कीड़े वगैरह जो सब निकल जाए। एक एक करके अच्छे ढंग से आप इनको धो दिया पहले। अब देखा मैंने यू का धोया लीजिए अच्छे ढंग से एक एक करके, फिर एक एक करके बारी बारी आप एक एक पत्ते को अच्छे ढंग से देखा, ताकि ये ढंग साफ ढंग से योग दे दे। फिर यू का बनाना पिंडालू का पैतू। तो गढ़वाली में यू का बोलन पिंडालू। देखा इधर मैं पैतूड़ा का पत्ता तोड़े लगा, वे के बाद मैंने अपनी मम्मी को बोली तो ये बना भाई, क्यों मेरे बसों की तो छह नहीं, मैं तो आलू खाया नहीं। तो मम्मी सबसे पहले हम पिंडालू का पत्ता थी जानी चाहिए, वह का बाद यू हम घोरा का मसाला बनाना चाहिए, जैमा लहसुन मिर्च नमक और इसमें जीरा अजवाइन सब डाली मुझे, क्यों सबको पेस्ट बना के। फिर जो बेसन आटो हूँ दो आसन बेसन और आटो का पेस्ट बना के यू को उमा घोन चाहिए मुन, और फिर उमा उमा लगाना मुन पिंडालू का पैतूर में लगाना। तो ये देखा यू मिला लिया मुन आटो बेसन और जो पिसा मसाला से सब मिला लें ठीक है, और यू को पांडन और ये को पेस्ट बनाना पहले। और ये देखा घरा मसाला क्या लगी खुशबू से, वे के बाद पिंडालू का एक एक पैतून में यह लगाना चाहिए, लेप करी के हर पैतून में लगाना चाहिए। आप देख सकते छोटे हैं दूसरा पत्ता को भी यानी लगाना चाहिए, और छोटे फिर दूसरा पत्ता को भी यानी लगाना चाहिए, फिर तीसरा पत्ता भी रख सकते आप, चौथा पत्ता भी रख सकते। हर गढ़वाल के हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप से पकौड़ा बनाया जाता है। वह के बाद यू का मोड़ दे एक बाई एक करके, हर कोने बिटी चारों तरफ कोने बिटी यू का पेस्ट लगा के, और यू का इस टाइप से यू का मोड़ दे ठीक है। आप यू इस स्टेप को फॉलो करते ना, और आप भी घर में यू पिंडालों का पैतूर ये जरूर मैंने बेसन लगा के जरूर तैयार कर दिए स्टेप हैं। अब मैं ये पक्का लकड़ी बनाना। लगाऊंगी प्रेशर में। अब कुकले वेमा रखना डंडी, इन टाइप की डंडी रखना स्टेप बाय अब स्टेप, आप ये प्रोसेस को फॉलो करो। फिर थोड़ा पानी रखन और यू में देना हम भाप, ताकि ये भाप से थोड़ा पक जाए। ये देखो कुछ इस तरह से। अब हम रखेंगे चीजों के दो सिटी मारन और भाप। अब देने के बाद भाप देने के बाद यूं कुछ इस तरह से यूं को कलर निखर की आई चीज अब यूं को ये काट दिया। देखिए ये देखा कुछ इस तरह से इसको काट देंगे। ये भाप देने के बाद हम निकाली थी यूं कुछ इस तरह से दिखाए थे। अब यू कटेगी नहीं था अपराध में देख लिया आप, इथा कटेगी नहीं। वह का बाद आप कढ़ाई में रख दिया तेल, वह में डाला चख्या को तूर का, और वह का बाद यू का फ्राई कर दिया। ये देखा आप क्या कलर आई। तो दोस्तों कल लगी आपके हमारे आज पिंडालू को पैतूर, होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।